नमस्कार, मैं नीति सैन। अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने कपड़े से गला घोटकर युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। लेकिन अब अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने सनसनी हत्या केस का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अजय पंडित नाम के युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अजय पंडित की हत्या की वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि अजय पंडित करीब 20 साल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर चाय व पानी बेचने का काम किया करता था और आरोपियों की नज़र उसके टीए पर थी, जिसको लेकर आरोपियों ने अजय पंडित की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपियों ने पहले तो अजय पंडित का गमछे से गला घोट दिया और उसके शव को मुखमेलपुर की नाले में फेंक दिया, जिसके बाद ये शव अलीपुर थाना पुलिस की टीम को बरामद हुआ। वहीं अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसीपी अलीपुर व एसएचओ अलीपुर सत्येंद्र पाल सिंह तोमर व इंस्पेक्टर राजीव के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया, जिसमें से एक टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें शामिल सब इंस्पेक्टर मोहनलाल, हेड कांस्टेबल प्रदीप तोमर, हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ की टीम ने आरोपियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपियों का ऑटो भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है, जिस ऑटो में आरोपी मुखमेलपुर की नहर में अजय पंडित के शव को लेकर आए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इरशाद व दिनेश के रूप में हुई है। आरोपी इरशाद व दिनेश बिहार के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से अजय पंडित को जानते थे। अजय पंडित उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है और पिछले 20 साल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चाय व पानी का काम किया करता था। बहरहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है अलीपुर थाना पुलिस की टीम। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।